ये भी अपेक्षा नहीं कर सकती हूँ कि मैं बार बार चुनाव लड़ूं। मैंने गलती नहीं की, एक भी गलती नहीं, नहीं मैंने कोई गलती नहीं की। मैं कोई लिए आपको मैं वो लड़ाई लड़ रही हूँ और बिल्कुल लड़ूंगी, लास्ट तक लड़ूंगी और उन लोगों को सजा जरूर दिलवाऊंगी। मुझे पता है कि समय आएगा तो वो चीजें मुझे दी जाएंगी, क्योंकि अगर उस लड़ाई को मैं छोड़ दूंगी तो बात सिर्फ मेरी बेटी की नहीं है। मेरे साथ इस समय स्वाति सिंह हैं। स्वाति सिंह यूपी की राजनीति का चर्चित चेहरा रही हैं और यूपी की जो पिछली सरकार थी योगी सरकार, उसमें मंत्री रही हैं। इनको सड़कों पर उतर करके अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हुए देखा गया है। कई सारे मुद्दों पर अलग अलग वजहों से चर्चा में रही हैं, लेकिन पिछले करीब 2 सालों से इनकी कोई चर्चा नहीं है। और ऐसा क्यों है, स्वाति सिंह कहाँ हैं, जो तमाम सारे सवालों के चक्रव्यूह खड़े हो गए हैं स्वाति सिंह के चारों ओर, उसी को तोड़ने की हम कोशिश करेंगे। और चक्रव्यूह का जो पहला चरण है उसमें स्वाति सिंह खुद बताएंगी कि 2 साल से, मतलब आप लखनऊ आए और स्वाति सिंह का नाम ना सुने, पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ, कोई स्वाति सिंह का बयान, कोई कंट्रोवर्सी स्वाति सिंह को लेकर के, कहीं कोई झगड़ा, कुछ तो होना चाहिए। मतलब वो दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो कहीं तो आग जले ना। स्वाति सिंह का नाम में 2 साल से इतना सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है? ऐसा क्या है कि आपको लग रहा है कि स्वाति सिंह के नाम में सन्नाटा पसरा हुआ है? स्वाति सिंह तो आज भी वही है जहाँ 2 साल पहले थी। पिछले 5-6-7 साल जहाँ पर थी मैं, वही आज भी हूँ। मैं वैसे ही काम कर रही हूँ। ये ज़रूर है कि पहले अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूँ तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करती थी, मंत्रालय की बात करूँ तो पूरे उत्तर प्रदेश में मंत्रालय के माध्यम से काम करती थी। आज मैं जो सैनिटरी नैपकिन के लिए और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए काम करती हूँ, आज भी मैं वो काम कर रही हूँ। फर्क आप लोगों के नजरिए में आ गया है, क्योंकि क्योंकि सुन लीजिए, क्योंकि पहले आप ही लोग मुझे दिखाते थे, आज दिखाते नहीं है, तो फर्क आपके नजरिए का है। आपके जवाब से मैं उठा लूं, आपने कहा सेंट्री नेटकिंग के लिए काम कर रही हूं, ये अच्छा काम आप कर रही हैं, इसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, हाँ हाँ आप बहुत अच्छा काम कर रही हूं, ये काम करना भी चाहिए। लेकिन स्वाति सिंह तो पॉलिटिकल फिगर है, और स्वाति सिंह जो है वो हार्ड कोर पॉलिटिक्स में दिखाई पड़ती थी, बीजेपी दफ्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नजर आती थी, स्वाति सिंह तमाम मुद्दों पर पार्टी का पक्ष लेते नजर आती थी, स्वाति सिंह कहीं कहीं झगड़ा करती हुई नजर आती थी, मोर्चा खोली हुई नजर आती थी, झगड़ा करते थे। तो वो सब चैप्टर एकदम से बंद है, ये क्या हुआ है? पार्टी ने 2 साल से आपको मौका नहीं दिया, या आप थोड़ा सा तटस्थ हो गई है कि अब थोड़ा सा हम बहुत हो गई लाइमलाइट किनारे रह लेते हैं, फिर आएगी बसंत तो फिर निकलेंगे हम, ऐसा कुछ है? मैं आपको बताऊं, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, मैं पार्टी की आज भी वही कर्मठ कार्यकर्ता हूं और मैं काम कर रही हूं। पार्टी का जो भी काम दिया जाता है उसको मैं पूरी निष्ठा के साथ करती हूं। जहां तक आपने बोला कि पार्टी के प्रवक्ता के रूप में मैंने काम किया, तो मुझे लगता है कि नहीं, कभी भी मैंने पार्टी के प्रवक्ता के रूप में प्रवक्ता शब्द नहीं कहा, मैंने कहा पार्टी की ओर से बात रखी आपने। बिल्कुल, मैं पार्टी के ओर से बात, मैं क्योंकि आप लोग मुझे बुलाते थे, जो कॉन्क्लेव वगैरह होता था उसमें आप बुलाते थे, लेकिन पार्टी या सरकार के प्रवक्ता के रूप में मैंने काम नहीं किया। बिल्कुल, मैं पार्टी का हिस्सा हूं आज भी। जब कोई, अगर आप मुझसे सवाल करेंगे, आज आपने मुझे बुलाया है सवालों की झड़ी लेकर के आप मेरे सामने बैठे हैं, तो मैंने स्वाति सिंह भारतीय जनता भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री हूं। आपने उस हैसियत से मुझे बुलाया है, आपको जिम्मेदार, मेरी आंखों में आपको आश्चर्य दिखाई पड़ रहा है, फायर ब्रांड नेता स्वाति सिंह, और पार्टी के पास, पार्टी ने तो टिकट नहीं दिया, वो अलग इशू है, चलिए उसके क्राइटेरिया होंगे, पर जिम्मेदारी आपको नहीं दी है, ये पार्टी जो है, ने एक बात हैरानी में डालती है। पार्टी ने आपसे कभी कहा क्या कि हमने स्वाति सिंह को भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकाल दिया है? ये मैंने कहा भी नहीं। तो ये तो आप कह रहे हैं पार्टी आपको काम नहीं दे रही है, काम नहीं दे रही है, जिम्मेदारी मैंने कहा। हाँ, जिम्मेदारी, जहां तक अगर आप पद की बात कर रहे हैं, जिम्मेदारियां मिलती हैं, जाती हूँ कार्यक्रमों में, जाती हूँ कार्यक्रम करती हूँ, लेकिन पद की बात जहाँ तक कर रहे हैं तो हाँ, आज की डेट में वर्तमान में एक साधारण तौर पे मैं एक कार्यकर्ता हूँ, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर कार्यकर्ता रहेंगे और कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे तो भविष्य में जिम्मेदारियाँ भी आपको दी जाएंगी। मिस करती हैं आप वो मंत्री का ऑरा, वो लाइमलाइट, स्वाति सिंह का
गाड़ियों के काफिले के साथ में यहाँ निकलना, वहां उतरना, मीडिया से बात करना, आपकी जिंदगी तो एकदम से ऐसा बदली थी। आप साधारण से गृहिणी हुआ करती थी, अचानक से आपने चुनाव लड़ा, आप विधायक बनी, आप मंत्री बनी, और मंत्री बनने के बाद लाइमलाइट आपके पीछे पीछे चलने लगी। देखिए मैं आपको एक चीज आपका यहाँ पे मैं करेक्ट करना चाहूंगी। जैसे आपने कहा कि स्वाति सिंह का काफिला, आपके चैनल में भी बहुत बार मैं गई हूँ, आपके इंटरव्यूज में, आपके कॉन्क्लेव में, आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैं एक काफिला लेकर चल रही हूँ। हाँ, ये जरूर था कि मैं मंत्री थी तो एक जो एस्कॉर्ट की गाड़ियाँ चलती हैं वो चलती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे साथ 10 और गाड़ियाँ, कभी भी नहीं। मैं क्षेत्र में भी गई, मैं पूरे प्रदेश में जब मेरा दौरा होता था कहीं भी, या मैं किसी चैनल पर भी आती थी तो मैं अपने एक गाड़ी से अकेले आती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं काफिला लेकर चल रही हूँ। लेकिन हाँ, जो प्रोटोकॉल सरकार से मिला था वो प्रोटोकॉल लेकर चलना ज़रूरी भी था, क्योंकि जो सिक्योरिटी वाले थे वो भी मुझे छोड़ नहीं सकते थे। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा गलत बोल रहे हैं। और कभी भी, क्योंकि मैंने, मुझे पता है कि किस तरह से एक रहना चाहिए। मैं पहले भी वैसे ही रहती थी जब मैं मंत्री थी तब भी, और आज भी मैं वैसे ही रहती हूँ। आज भी मैं एक गाड़ी से चलती हूँ। आप एक गाड़ी चलती हैं, मैं आपको काफिले की बात, सिक्योरिटी की बात कर रहा था आपके साथ जो चलती है। मैं नहीं कह रहा था कि कोई रैली निकालते चलती हैं, मैंने कहा भी नहीं था। मुझे एक बात ये आप बताइए, जो मैंने शुरू में सवाल किया कि स्वाति सिंह कहाँ हैं, और मैं आपको फिर अपने मूल सवाल पे लौटना हूँ कि स्वाति सिंह का मतलब, जो एज ए मीडिया पर्सन जो हमने देखा है उन 5 सालों में जो आप मंत्री थी, कि एक एक लाइमलाइट सी, और लाइमलाइट के पीछे बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी, आप जो कि खुल के बात करती हैं तो मैं आपके सामने रख भी रहा हूँ। कभी पता चला स्वाति सिंह किसी को हड़का रही है, वो वीडियो वायरल हो गया। कभी कहीं आप पहुंच जा रही हैं, कोई क्या बियर बार या क्या था, मुझे एग्जैक्टली ख्याल नहीं है, आप ज्यादा बेहतर बताएंगी। ये जो चीजें आपके साथ रही ना, इन्होंने हमेशा हैपनिंग रखा स्वाति सिंह के आसपास की चीजों को। देखिए, जहां तक आप कह रहे हैं कि कभी कोई वीडियो या ऑडियो वायरल हो गया हड़काने का, मैंने एक भी काम, कोई भी काम, अगर कोई भी व्यक्ति गलत करेगा तो मंत्री होने के नाते नहीं, अगर आज वर्तमान की बात करेंगे, मैं एक साधारण महिला के रूप में हूँ, मेरे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, ना मैं मंत्री हूँ, ना मुझे, मेरे पास पार्टी का कोई दायित्व है, लेकिन अगर सामने मुझे लगेगा कि कोई गलत कर रहा है तो मैं वहां पर भी ऑब्जेक्शन करूंगी। ऑब्जेक्शन करेंगे, हड़काएंगे? बिल्कुल, ऑब्जेक्शन का मतलब यही है, बिल्कुल हड़काएंगे। और आज भी अगर कोई गलत करता है तो मैं हड़काती हूँ, और ये मेरा टेम्परामेंट शुरू से रहा है। मैंने अपने बच्चों को भी यही बताया है कि अगर कोई गलत कहता है तो आप जरूर उसका जवाब दीजिए। और ये टेम्परामेंट अगर मेरा नहीं होता तो शायद मैं अपने बच्चे की लड़ाई नहीं लड़ती, मेरी शुरुआत ही वहां से हुई है। मैं अपने मान सम्मान, अपने बच्ची, अपनी बच्ची नहीं कहना चाहिए कि हर बच्ची के मान सम्मान की लड़ाई मैं लड़ करके आई थी। स्वाति, यही टेम्परामेंट भारी पड़ा कि आपने जैसे भी कहा कि मैं हड़काऊंगी, ये जो एक मैं इलाहाबाद, आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर कोई गलत करेगा तो हमें उसको बर्दाश्त करना चाहिए? मैं अपनी बात आ रही, अगर आप ये कहते हैं, बात मैं पूरी कर लूं अपनी, फिर क्लियर होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये कह रहा हूँ कि दो चीजें होती हैं, कोई अगर गलत कर रहा है, कोई अगर नियम कानून तोड़ रहा है, तो उसको भी रास्ते पे लाने के लिए नियम कानून ही रास्ता है। कानून तोड़ने का उपाय भी कानून में ही लिखा हुआ है कि उसके लिए क्या सजा होगी, क्या तरीके होते हैं। उसको जो मैंने हड़काने वाली बात कही, कहां हड़काया मैंने, आप उसको बताइए कहां हड़काया। अभी तो आपने कहा मैं अभी भी नहीं, मैं हड़काती हूं। मैं हड़काना नहीं, मैंने कहा कि बिल्कुल, अगर आप उसको शब्द हड़काना बोल रहे हैं, है ना, देखिए शब्दों को आप कैसे तोड़ मरोड़ करके आप यूज करते हैं, ये तो मीडिया वालों से ज्यादा कोई और जानता नहीं। लेकिन मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, अगर कोई गलत करेगा तो मैं जरूर उस पर ऑब्जेक्शन करूंगी। और हर व्यक्ति को अगर सामने वाला गलत करे तो ऑब्जेक्शन करना चाहिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। कॉम्प्रोमाइज वहां करेंगे जहां हम गलत होंगे, लेकिन अगर हम सही हैं, सामने वाला गलत है, तो जरूर उसको मैं बताने का काम करूंगी कि आप गलत कर रहे हैं, इसको सही करिए। किस किस को बताया आपने इन गुजरे 5 सालों में? देखिए, किस गलत किस को, और आप सही हैं? किस किस को बात नहीं है, ये गुजरे 5 साल की बात आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप, मैं आप मंत्री से पहले की भी बात देखिए ना, क्योंकि तब आप मीडिया में नहीं, आज भी मैं अगर कोई गलत करता तो आप पर दिखाते नहीं थे, तब स्वाति सिंह कुछ नहीं थी। 5 साल की बात आपने कहा ना, स्वाति सिंह कहाँ है, स्वाति सिंह आज भी वहीं पर है। मीडिया का नजरिया बदल गया है कि अब स्वाति सिंह को नहीं दिखाना। मैं आज भी वो काम, देखिए राजनीति में होने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ किसी लाभ के लिए आए हैं। राजनीति का मतलब है कि आप सामाजिक कार्य के लिए आए हैं। और अगर मैं शायद सिर्फ 5 साल मंत्री होने तक वो काम करती और उसके बाद छोड़ देती,
मैं 5 साल जब मैं मंत्री थी तो मैंने अपने क्षेत्र में मेंस्ट्रुअल हाइजीन का काम शुरू किया। बार बार ये क्यों कह रही है मीडिया मुझे दिखाता नहीं है, मीडिया मुझे दिखा नहीं रहा है, ये क्यों कह रही है बार बार आप? अरे आप ही ने, आप जब सवाल ऐसे करेंगे कि कहाँ है स्वाति सिंह, तो पहले भी स्वाति सिंह को आप दिखाते थे, आज आप नहीं दिखा रहे हैं। मैं आज भी वो काम कर रही हूँ, मैं तो आज भी काम कर रही हूँ, मैंने काम नहीं बंद किया है। आज मैं, पहले मैं सरोजनी नगर में वो काम करती थी, आज मैं पूरे उत्तर प्रदेश में वो काम कर रही हूँ। स्कूल में जाती हूँ, कॉलेजेस में जाती हूँ, बच्चे और बच्चियों दोनों को मैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताती हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। वो महिला स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, महिला सुरक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम, मैं हेल्थ की बात कर रही हूँ, तभी हम सुरक्षित भी रहेंगे। एक हमारे भारतीय समाज में एक महिला आपके घर परिवार की धुरी होती है, वो केंद्र बिंदु है। वो अगर वो नहीं स्वस्थ रहेगी, आप सोचिए कि आप जो बात कह रही हैं, मैं इससे सहमत हूँ, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हैं, ये आप जो कह रही हैं स्वस्थ रहने वाली बात, इससे हर कोई सहमत होगा। पर आप सोचिए, मैं आपसे इसलिए बात कह रहा हूँ स्वाति, कि इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो गई, रणदीप सुरजेवाला का एक बयान आया हेमा मालिनी को लेकर, आपको पता होगा, आप अवेयर हैं, खबर अवर में आपकी दिलचस्पी अभी बनी हुई है, मेरे ये सूत्र कह रहे हैं कि आप अभी भी खबरों को पूरा देखा करती हैं कहाँ क्या चल रहा है। तो वो बयान आया, अपर्णा यादव आई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बीजेपी दफ्तर में, ये अगर मुझे याद होता 2 साल में रिवाइंड करूं, तो ऐसे किसी मुद्दे पर स्वाति सिंह ना बोली तो हो नहीं सकता। आप लोग पास आते ही नहीं है, मैं आप आइए, अगर आप मुझसे सवाल लेकर आएंगे, हम लोग आते हैं पास आपके, मैं तो आपको आपसे बात कर ही रहा हूं। आपने आज मुझे कहा आप आइए, मैं आ गई। आप अगर आएंगे, देखिए मुझे लगता है कि जैसे आप कह रहे हैं, मैं जो काम कर रही हूँ, अगर मैं मान लीजिए काम ना करूं और चीजों को पब्लिसाइज करूं, कोई मतलब नहीं है। नहीं, आपकी बात सही है, आप जो काम कर रही हैं, और जहां तक यानी मुझे ऐसा लगता है कि आपकी नजर में अगर मैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए काम कर रही हूं, तो वो शून्य है। मैं तीसरी बार कह रहा हूं, वो नेग्लिजिबल है। तीसरी बार कह रहा हूं कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अगर आप इसी, जहां तक आप पॉलिटिकल काम की बात कर रहे हैं, वो भी पॉलिटिकल काम है। अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी या हमारी सरकार या हमारा शीर्ष नेतृत्व मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं देता, तो आज स्वाति सिंह इतने बड़े स्तर पर काम नहीं कर पाती। ठीक है, मुझे कोई भी अपने स्कूल में, अपने कॉलेज के प्रांगण में नहीं घुसने देता। ठीक है, मैं आपसे कह रहा था कि अगर ये टेप रिवाइंड होगा, तो तीसरी बार मैं कह रहा हूँ आप अच्छा काम कर रही है, जो आप काम कर रही है, आप थोड़ा सा मुझे लग रहा कि आक्रोश आप पे हावी हुआ, इसलिए आप मेरी बात सुन नहीं पाई। तीसरी बार मैं ये कह रहा हूँ आप अच्छा काम कर रही हैं, पर मैं जो बात कह रहा हूँ ना, मैं इस समय जा रहा हूँ हजरतगंज की तरफ, और आप अपनी गाड़ी गोमती नगर की ओर ले जा रही हैं। हम जरा एक ट्रैक पे चलेंगे तो शायद आप समझ पाएंगी मैं पूछ क्या रहा हूँ। बार बार ये पूछ रहे हैं ना कि आप कहीं नहीं है, तो मैं बता रही हूँ कि मैं हूँ। आप दिखाइए, अगर ऐसा है, आपको इतना दुख है कि मैं कहीं नहीं हूँ, तो प्लीज आप दिखाइए। मुझे क्यों दुख होगा आप कहीं नहीं है, मैं तो एज ए जर्नलिस्ट पूछ रहा हूँ। सुनिए, मेरा सवाल ये है, जो मैंने अभी आपसे स्पेसिफिक पूछा था, कि अपर्णा यादव ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे अच्छी तरह याद है, ऐसा कोई मसला योगी सरकार पार्ट वन में हुआ होता, तो स्वाति सिंह बीजेपी दफ्तर में मौजूद रहती। पहले भी हमने देखा है कुछ ऐसा होता था महिलाओं के इशू पे, तो वो आती थी, बीजेपी की ओर से आती थी, आपको बीजेपी ने नहीं बुलाया, ये सवाल नहीं। बीजेपी नहीं, बीजेपी हमेशा अपने प्रवक्ताओं के माध्यम से, जो भी बीजेपी ने जवाब रखा किसी भी कॉन्ट्रोवर्सी का, तो प्रवक्ता नहीं है। मैं मुझे जवाब, मैं अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल की बात कर रही हूँ, तो प्रवक्ता आकर के बात को रखते थे, पार्टी में पार्टी के प्रवक्ता रखते थे और सरकार में सरकार के प्रवक्ता रखते थे। ये जरूर हो सकता है कि पार्टी ने उस विषय पे अपर्णा जी को बुलाया होगा कि वो उस विषय को रखे, तो उन्होंने रखा। देखिए, जिस परिवार का मैं हिस्सा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हूँ, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि आपका जो मन में आएगा वो आप करेंगे। बहुत ही कहना चाहिए कि संस्कारों वाली पार्टी है और बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशंस वाली पार्टी है। और क्योंकि मैं क्लास 12th से, मैं 96 से इस पार्टी का हिस्सा हूँ, इसलिए मुझे इसकी परंपराएं और इसके जो विचारधारा है वो मुझे पता है। आप 1996 से इस पार्टी का हिस्सा है, चलिए तो आपने और एक बड़ी खबर हमको दे दी कि आप 96 से। क्यों, जब मेरा टिकट कटा था तो आप लोग आए थे और आप लोगों ने भी इस तरह के सवाल, बहुत सारे सवाल दागे थे। आप चाहते थे कि मैं कुछ भी ऐसा बोल दूं कि आप लोगों को कुछ कंट्रोवर्सी उसमें कर दें, लेकिन मैंने तब भी बताया था कि मैं जब क्लास 12th में थी तब से मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ी थी, तो इतने साल हो गए।
तो मुझे लग रहा है अगर मैं इसको 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 मैं अगर अगर थोड़ा सा और एनालाइज करूं, आप कह रही हैं 96 से जुड़ी थी। मैंने इस पे जोर इसलिए दिया कि मुझे लगता है कि दयाशंकर सिंह से पहले से आप बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, अगर उसी टाइमलाइन को मैं मानूं तो। आप सीनियर हैं उनकी इस पार्टी में। मुझे लगता है कि अगर इस विषय से इतर हम बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैंने इस विषय पे नहीं, पार्टी में सीनियर होने की बात कही। आप तो सीनियर हुई उनकी। मैं कहां सीनियर हूं, कहां जूनियर हूं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं विद्यार्थी परिषद में 96 में जुड़ गई थी। 96 में आप जुड़ गई थी, ठीक है। अब मुझे एक बात कही, चलिए आप कहाँ हैं इस इशू से मैं आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि आप हैं यहाँ पर और ये राजनीति है, यहाँ आप किसी को खारिज नहीं कर सकते हैं। ये राजनीति है, जो डटा रहेगा उसका वक्त आएगा, ये राजनीति के बुजुर्ग कह गए हैं। तो आपकी चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप इसी राह पे आगे बढ़ रही हैं। मुझे एक बात बताइए स्वाति, कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, क्या कभी सरोजिनी नगर से आप विधायक रही हैं, क्या कभी आपके जहन में एक कचोट होती है क्या कि इस लोकसभा के चुनाव में कोई आपकी पार्टी की ओर से दी गई भूमिका होती तो आप यूपी में घूमती, आप देश में घूमती, आपके अंदर क्षमता है, आप अच्छा बोलती हैं। देखिए आप अच्छा बोलती हैं, मैं अपनी ओर से कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ आपको। तो ये अंदर से कचोटता है क्या कि ये नहीं हुआ, ये आपकी क्षमताओं के साथ में अन्याय हुआ, ऐसा कुछ लगता है? पूरे विश्व में अगर बात करूं मैं तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, 18 करोड़ से ज्यादा इसके सदस्य हैं। अगर हर व्यक्ति ये सोचेगा कि हमको कहीं का प्रभारी बना दिया जाए, कोई दायित्व के रूप में ही दिया जाए, मुझे भारतीय जनता पार्टी में कार्यक्रमों में भेजा जाता है, चुनाव में, हर चुनाव में भेजा गया, और मैं जाती भी हूँ, कार्यक्रम भी करती हूँ। इवन जो नगर निगम का चुनाव था उसमें भी मैं बाहर बाहर झांसी ऐसी सब जगह गई। मैंने कहा ना, आपका नजरिया बदल गया, आप दिखाते नहीं है। लेकिन अगर हर व्यक्ति ये सोचेगा कि दायित्व मुझे मिलना ही चाहिए तो मुझे लगता है कि पार्टी नहीं चल पाएगी। पार्टी में तो उस भाव से काम करना पड़ेगा, पार्टी रिकॉग्नाइज करेगी, इतना विश्वास है। बहुत कुछ सीखा आपने इन 2 सालों में, मतलब आपके शब्दों में, आप बात बात में पार्टी, संस्कार, परंपरा, ये सारे जो है, ये सारे हैवी वेट शब्द लेकर के बैठी हैं। 2022 के पहले क्या मैं पार्टी से इतर बात करती थी? 2022 के पहले टिकट कटने के पहले मेन स्ट्रीम में थी, और मेन स्ट्रीम में मैं तब भी अपनी पार्टी की बात रखती थी, तब भी मैं अपनी सरकार की बात रखती थी। नहीं, पर आप मेन स्ट्रीम में थी उस समय, तभी भी मैं रखती थी, तो उस समय तो रखना ही होगा मेन स्ट्रीम में रहते हुए। मैं आज भी मेन स्ट्रीम, आप आज भी मेन स्ट्रीम में हैं। आप मेन स्ट्रीम किसे मानते हैं? आप बताइए मेन स्ट्रीम क्या है, आपको क्या लगता है कि आपने कहा आप मैं आज भी मेन स्ट्रीम में हूं। बिल्कुल हूं। स्वाति सिंह ने ये बयान किस आधार पे दिया कि वो आज भी मेन स्ट्रीम, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कर्मठ कार्यकर्ता हूं, इसलिए मैं मेन स्ट्रीम में हूं। कार्यकर्ताओं की पार्टी है ये, ना तो किसी परिवार की पार्टी है, ना किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी है, तो इसलिए हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता। मैंने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी है, अगर हर व्यक्ति अपेक्षा करने लगेगा पार्टी से कि हमें जिम्मेदारी दी जाए, देखिए जिम्मेदारी छोटी बड़ी प्रत्यक्ष परोक्ष बहुत सारी जिम्मेदारी हो सकती वैसी जिम्मेदारियां होती हैं, हो सकता है प्रत्यक्ष रूप से आपको वो जिम्मेदारियां नहीं दिख रही हो, मुझे भी शायद नहीं महसूस हो रहा हो, लेकिन परोक्ष रूप से है, ऐसा भी कुछ है जो मुझे दिख ना रहा हो जब मैं कार्यक्रमों में जाती हूँ। ठीक है, देखिए एक होता है कि पार्टी प्रभारी बना दे, ठीक है मैं प्रभारी नहीं बनी हूँ, लेकिन पार्टी ऐसा नहीं है कि पार्टी ने मुझे इग्नोर कर दिया है या सैक कर दिया है, स्वाति सिंह को निकाल दिया है पार्टी से, ऐसा नहीं है। मैं संघ के कार्यक्रम में भी जाती हूँ, मैं बीजेपी के कार्यक्रम में जाती हूँ, मैं विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में जाती हूँ, मैं बहुत सारी संस्थाओं के जो कि पार्टी से बिल्कुल अलग है, मैं उनके भी कार्यक्रम में जाती हूँ। बस गड़बड़ी यह है कि आप लोग नहीं दिखाते, इसलिए आपको स्वाति सिंह दिख नहीं रही है। लेकिन ये बताइए, अभी मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ पर क्योंकि आप बात करते करते आप जो गेंद मेरे पाले में ले आती हैं, तो मुझे इस पर अपनी बात कहने का एक मौका चाहिए। हम क्यों नहीं दिखाएंगे, ये वो मीडिया है था स्वाति, जो मुझे याद है कि आपके घर के बाहर खड़ा रहता था घंटों, कई बार आप नहीं निकलती थी, कई बार आप कई बार आप मसरूफियत होती थी, कई बार आपकी बात करने की इच्छा नहीं होती थी। मैं आपको बताऊं, तो यही तो मीडिया है। नहीं, जब आप ऐसा करेंगे मीडिया के पीछे है, मीडिया गेट पे कब खड़ी हुई थी, और आप लोगों ने मेरे बच्चे तक की गाड़ी में आप लोगों ने कैमरा, हमने कब कैमरा डाला था? मैं इन जनरल बात, जनरलाइज मत कीजिए ना, मैं इन जनरल बात करूंगी क्योंकि मैं वहाँ खड़ी नहीं थी। ठीक है,
मैं वहां बाहर नहीं खड़ी थी, वो समय ही नहीं था कि मैं आ करके आप लोगों से उस विषय पे बात करती। कौन सा विषय है वो आप भी जानते हैं। लेकिन आप देखिए, मैं एक सामाजिक जीवन में हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी कोई निजी जिंदगी नहीं है या मेरे बच्चों की निजी जिंदगी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने मीडिया को मना किया हो, कभी नहीं। क्या ये निजी जिंदगी आपकी राजनीतिक जिंदगी पे भारी पड़ गई? लेकिन निजी जिंदगी का जो निजी जिंदगी और राजनीतिक जिंदगी दोनों अलग अलग है। है अलग, और लेकिन बिल्कुल अलग है। और मुझे लगता है कि हुआ है क्या, क्रॉस सेक्शन हुआ है? कहीं निजी जिंदगी भारी पड़ी आपकी राजनीतिक जिंदगी पर? कहीं नहीं हुआ, नहीं हुआ है। नहीं, या बड़ा बयान दे रही हैं? हाँ, मैं बड़ा बयान दे रही हूँ। पार्टी ने ना तो मेरे पारिवारिक दृष्टि को देख करके, कभी मुझे ऐसा नहीं था कि स्वाति सिंह को पार्टी ने ये सोच करके दिया कि मैं किस परिवार से हूँ, क्या हूँ। मैंने कहा ना, ये किसी एक परिवार या किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैं और भी थोड़ा स्पेसिफिक होकर, क्योंकि आप एक बड़ा बयान दे रही हैं और एक आपने पोजीशन ली है कि मेरा जो निजी मसला है वो कहीं भी राजनीति में आड़े नहीं आया है। दयाशंकर सिंह की वजह से आपका टिकट कटा है क्या या नहीं कटा है, एकदम क्लियर? क्योंकि ये एक मसला रहा है और ये मसला पब्लिक डोमेन का है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपका टिकट दयाशंकर सिंह की वजह से कटा है? आज की तारीख में 2 साल बाद आप इस बात को रिग्रेट करती हैं कि उस वजह से टिकट कटा है क्या? मैं क्या लगा पूछ रहा हूँ? मुझे लगता है इस प्रश्न को अगर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि मीडिया में तो सारे मसाले होते हैं, आप लोगों को ज्यादा अच्छे से पता होगा। इस पर मुझे लगता है कि ना तो मैंने कभी इस पर टिप्पणी नहीं किया है कि किसकी वजह से कटा, क्या कटा, क्योंकि पार्टी का निर्णय था। 2017 में पार्टी का निर्णय था कि स्वाति सिंह को टिकट देना है, और 2022 में भी पार्टी का ही निर्णय था कि स्वाति सिंह का टिकट काटना है। कारण क्या था, ना मैंने कभी किसी से नहीं पूछा, ना कभी इस विषय पर मेरी किसी से चर्चा हुई। और अगर मैं चर्चा करूंगी कि क्यों कटा, तो मुझे लगता है कि मुझे उस विषय पर भी फिर चर्चा करना पड़ेगा और करना चाहिए कि मुझे क्यों मिला, वो तो फिर वही होगा। तो देखिए, मैं जो भी पारिवारिक चीजें मेरी जो भी रही, मैं कहीं भी पब्लिक फोरम पे बात करना उसको मैं उचित नहीं समझती हूँ। मैंने कहा ना, अगर कोई पब्लिक डोमेन में किसी की चीजें हैं, अगर कोई पब्लिक लाइफ में है, कोई राजनीति में है, कोई सामाजिक कार्य कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई अपना निजी जीवन है ही नहीं। उसका भी निजी जीवन है, उनके बच्चों का भी अपना निजी जीवन है। और मुझे लगता है कि किसी से भी उन विषयों पर चर्चा नहीं। बच्चे आपके साथ ही रह रहे हैं? हाँ, बच्चे मेरे साथ हैं। आप ही देखभाल कर रही हैं? हाँ, शुरू से। खर्चा पानी आप ही उठा रही हैं बच्चों के सारा? मैंने जन्म दिया है, और जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसके खर्चे पानी और दुनिया की नहीं सोचती। मैं आपको जो माँ अपने बच्चे को अपने दूध को पिला सकती है, वो माँ अपने बच्चे के लिए, चाहे मतलब उसके जीवन को बनाने के लिए माँ कुछ भी करती है, कोई मेहनत करेगी हर इस तरह। देखिए, माँ की बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, नहीं कर सकता, पर मुझे लगता है कि माँ का जितना योगदान होता है, पिता का भी योगदान होता है, तो पिता भी तो बच्चों के लिए सहयोगी करते होंगे। मुझे लगता है आप ये मेरे निजी जीवन पर जा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक आप मेरे बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चे मेरे बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे, और मैंने पूरा अपना जीवन अपने बच्चों के जीवन को संवारने, क्योंकि मैंने जो जीवन में जो भी संघर्षों को देखा, मैंने जितना भी संघर्ष किया, मैं ईश्वर से यही कहती थी कि मेरे बच्चों के आगे वो चीज़ें कभी मत लाइएगा। और ईश्वर का बहुत आशीर्वाद है, बहुत ईश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया। मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मुझे पता है भविष्य में बहुत 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 अच्छा करेंगे। और खैर, मैं यहाँ नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे वर्ल्ड लेवल का भी कॉम्पिटिशन्स जीत कर आ रहे हैं। अरे वाह, बहुत ही गर्व की बात है ये। बिल्कुल, और हर 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 माँ ये चाहती है कि भविष्य में लोग उनके बच्चों के नाम से उन्हें जाने। मेरी भी इच्छा है कि मेरे बच्चे इतना नाम करें कि लोग ये कहें कि हाँ, उनकी माँ जा रही है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, हर माँ की ये इच्छा होती है, और ये बहुत गर्व की बात है कि बच्चे जिंदगी में इतना तरक्की कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे इसलिए सवाल किया पिता वाला, क्योंकि दयाशंकर सिंह से भी हम लोगों की बात होती रहती है। जिस समय सब चल रहा तब भी बात होती थी, जब आपका टिकट कटा तब भी मैंने उनका इंटरव्यू किया था, आपका भी इंटरव्यू किया था, उनके मुद्दे पर आपने बोला था, आपके मुद्दे पर उन्होंने बोला था। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ ब्लू मैं कुछ पूछ रहा हूँ। तो ये इसीलिए मैं आपसे फिर ला रहा हूँ कि यही आपकी पॉलिटिकल लाइफ पर भारी पड़ा है क्या? मुझे लगता है अभिषेक जी, एक बार फिर से वो सारे इंटरव्यू देख लीजिएगा। मैं अपनी बात कर रही हूँ, दूसरे पक्ष की बात नहीं कर रही हूँ।
मैंने कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति से मैंने अपने निजी जीवन के विषय में नहीं बात किया। बहुत ज़्यादा अगर आप लोगों ने कुरेदने की कोशिश की तो जो चीज़ें जहाँ तक बताना उचित था मैंने उतना ही बताया। आपने मुझे बोला था? नहीं, मैंने नहीं बोला था। पॉलिटिकल जो चीजें हुई हैं पॉलिटिकल चीजें, पॉलिटिकल चीजें दयाशंकर सिंह को लेकर के? नहीं, पॉलिटिकल नहीं, कभी मैंने ये नहीं बोला कि दयाशंकर जी ने मेरा टिकट कटवा दिया। मैंने ये नहीं कहा टिकट कटवा दिया। तो मैंने कहीं पर भी अपने निजी शख्सियत को लेकर के आपने बोला था? मैं निजी जीवन के विषय में नहीं, आप फिर से वो इंटरव्यू देख, कहीं पर भी मैंने उन विषयों पर चर्चा नहीं किया है। और मैं आज भी उसी में विश्वास करती हूँ कि मुझे अपना काम करना है, मुझे अपने बच्चों को देखना है। आपकी जिंदगी से वो चैप्टर कट चुका है, संक्षेप में अगर मैं इस बात को समझूं तो? दूसरा सवाल ले लें, मुझे लगता है वो ज्यादा सही होगा। ठीक है, चलिए जैसा आपका आदेश, दूसरा सवाल कर लेता हूँ मैं। दूसरा सवाल आपसे फिर ये मेरा ये बनता है कि अब आगे स्वाति सिंह की जो पॉलिटिक्स रही है, आप आने वाले 2027 में अगला यूपी का चुनाव है, कहाँ देखती हैं स्वाति सिंह? क्या 2027 में फिर से स्वाति सिंह की दावेदारी होगी टिकट के लिए? और देखिए, आपने कहा मैं पार्टी के कार्यकर्ता हूं, बतौर कार्यकर्ता टिकट की हसरत करना या टिकट मांगना ये कोई अनैतिक काम नहीं है। हर कार्यकर्ता नहीं, हर नहीं मतलब कोई ना कोई मांगती रहते हैं लोग, और उसको अपना हक समझते हैं, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी होती है। तो सरोजनी नगर से आज भी उतना ही प्यार है आपको? बिल्कुल प्यार है। देखिए, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना दूसरी बात है। जहां तक आप 2027 की बात कर रहे हैं तो ये प्रश्न आप तब करिएगा कि मैं टिकट की भी मुलाकात तय कर देंगे। ये आज कीजिए, ये कल, ये 2027 में, ये 2032 में। जब 2027 में चुनाव है और आप कह रहे हैं कि आप दावा करेंगे उस समय, तो ये तो वो समय तय करेगा कि मैं टिकट मांग रही हूँ कि नहीं मांग रही हूँ, और टिकट मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये प्रश्न आपको पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से करना पड़ेगा। क्योंकि वो मैं ना तो उस पोजीशन पर नहीं हूँ जहाँ उम्मीदवार तो यहाँ बैठा हुआ है। तो उम्मीदवार टिकट मांग रहा है कि नहीं, ये प्रश्न आप मुझसे करिएगा। उम्मीदवार है तो मांग रहा है फिर। तो मैंने कहा सरल भाषा में, 27 की बात मैं कर रही हूँ कि उम्मीदवार टिकट मांग रहा है कि नहीं, ये आप तब मुझसे ये प्रश्न। तो ये 27 का उम्मीदवार नहीं है जो मेरे बगल में बैठा हुआ है? 27 का उम्मीदवार नहीं है क्या जो मेरे बगल में बैठा हुआ है? पता नहीं, ये तो तब पता चलेगा, अभी कैसे बता दें, अभी तो बहुत दिन है, अभी तो 24 में है हम लोग, 25, 26, 27, अभी 2.5 साल है। पर नेता तो फॉरवर्ड प्लानिंग करते हैं ना, सोचते हैं। आप क्षेत्र में जाती हैं कि नहीं? सरोजनगर नेता अपनी प्लानिंग भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। सरोजनगर आप जाती हैं कि नहीं जाती हैं? हाँ, जाती हूँ, अभी भी जाती हूँ। हाँ, बिल्कुल जाती हूँ, कार्यक्रमों में लोग बुलाते हैं और किसी के यहाँ अगर कोई सुख दुख में मैं खड़ी रहती हूँ। लोग मिस करते हैं क्योंकि जिस सरोजनी नगर की, हाँ, बहुत प्यार किया उन लोगों ने और आज भी मुझे वैसे ही प्यार। आपने कहा ना कि आप मिस करती हैं, बिल्कुल मैं मिस करती हूँ, इसलिए कि बहुत 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 प्यार दिया है उन लोगों ने मुझे, एक बेटी की तरह उन्होंने मुझे रखा है और आज भी वैसे ही प्यार करते हैं, वैसे ही मानते हैं। तो वो मेरा घर है, ऐसा नहीं है कि जब मैं वहाँ पे विधायक थी तभी मेरा उन लोगों से लगाव रहेगा। पूछा कि सरोजनी नगर के जो वासी हैं वो अपने पूर्व विधायक को मिस करते हैं क्या? बहुत करते हैं, अपनी बेटी को। हाँ, अरे अपनी बेटी को कोई मिस नहीं करेगा, बहुत मिस करते हैं। और आप अभी उनके काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? अब मुझे, मेरा कोई कार्यकर्ता जब कोई काम के लिए बोलता है तो मैं कर देती हूँ। आप कर देती हैं, लेकिन अभी आप विधायक नहीं हैं, तो आप कह रही हैं आप जब थी आपने बहुत काम उन लोगों के लिए किए हैं, उन क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। आज भी तो करती हूँ। आप कर स्वाति सिंह हैं, वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, मैं अभी स्वाति सिंह के ऑरा से बाहर निकल के बात कर रहा हूँ। आप ही बार बार वहां आ जा रहे हैं ना, इसलिए मुझे आपको बताना पड़ रहा है। अच्छा, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आपकी क्षेत्र की जनता है, आज जब आप जाती हैं सरोजनी नगर तो वो क्या फीडबैक देती है, उसके काम आज हो रहे हैं कि नहीं? यहाँ देखिए, जब योगी और मोदी सरकार है तो काम हो रहा है। ये ना तो किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी है, ना किसी परिवार विशेष की पार्टी है कि सिर्फ एक परिवार का काम होगा या सिर्फ एक वर्ग का काम होगा। क्योंकि हम जब एयरपोर्ट उतरते हैं तो मुझे जो इस समय विधायक हैं राजेश्वर सिंह जी, उनके बड़े बड़े बैनर होल्डिंग दिखाई पड़ते हैं जिसमें उनके बड़े बड़े कई कामों का जिक्र है। अभी तो 2 ही सालों में ही बहुत सारे कामों का जिक्र है। आपके ऐसे कोई होल्डिंग मैंने, मुझे याद नहीं उन 5 सालों मैंने देखे हों कि आपके ऐसे ऐसे होल्डिंग लगे हों। ये एक बेसिक फर्क जो मैं देख रहा हूँ पूर्व विधायिका में और वर्तमान विधायक में। देखिए, उनकी कार्यशैली क्या है, हर व्यक्ति अलग होता है, कहते ना हमारे 5 उंगली बराबर नहीं है। तो वैसे ही ना तो मैं राजेश्वर सिंह जी की जगह ले सकती हूँ, ना तो राजेश्वर सिंह जी मेरी जगह ले सकते हैं।
उनकी जो कार्यशैली है वो वैसे काम कर रहे हैं, मेरी जो कार्यशैली है वो मैं वैसे काम कर रही हूँ। किसकी कार्यशैली बेहतर है, आपकी या उनकी? ये मुझे लगता है कि ये ऑडिट करने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ। मैं अपना काम ठीक से कर रही हूँ कि नहीं, मुझे मुझे खुद का मुझे स्वयं को देखना होगा कि मैं ठीक से काम कर रही हूँ कि नहीं। मैं स्वयं की समीक्षा कर सकती हूँ, किसी और व्यक्ति की समीक्षा नहीं कर सकती हूँ। बड़ी मैच्योर पॉलिटिशियन होती जा रही हैं, क्या अपनी गलतियों से स्वाति सिंह ने सबक लिया है? कौन सी गलती मैंने की है, एक गलती बता दीजिए। आपने कोई गलती ही नहीं आप की एक है। गलती बता दीजिए, मैं तो आपसे पूछ रहे हैं आपसे ना, आप एक गलती बता दीजिए। नहीं, मैं आपकी आपने अगर इंट्रोस्पेक्शन किया, हर व्यक्ति करता है, उन 5 सालों में गलतियां भी हुई होंगी। अगर मुझे गर्व है, मुझे गर्व है कि जो भी विभाग मुझे दिया गया मैंने बहुत अच्छे से किया। मुझे गर्व है कि सरोजनी नगर की मैं विधायक बनी, मैंने बहुत ही अच्छे से काम किया, और ये फीडबैक आप जाके मेरे क्षेत्र में ले सकते हैं। स्वाति सिंह से बतौर मंत्री 5 सालों में एक भी गलती नहीं हुई, आप कह रही हैं? हाँ, मैंने गलती नहीं की, एक भी गलती नहीं, नहीं मैंने कोई गलती नहीं की। तो फिर सजा क्यों मिली आपको स्वाति, अगर एक भी गलती नहीं की तो? सजा वो एक राजेश खन्ना की फिल्म में, हमसे का भूल हुई जुई सजा हमका मिली, अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, सुना है आपने गाना? शायद मुकेश ने गाया मेरे ख्याल से। मेरे एक प्रश्न का जवाब आप दीजिए। अरे मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, आप नहीं इंटरव्यू ले रही है जी, आप उसी सवाल में आपका जवाब होगा। एक भी गलती नहीं, उसी सवाल में, उसी सवाल में आपका जवाब भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप पहले फील्ड में काम करते होंगे, फिर आप, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ, फिर आप डेस्क पे आके बैठे, फिर हो सकता है आप फील्ड में चले जाएंगे। आपके भी जो आपका रोल है, आपका जो जॉब प्रोफाइल है, वो बदलता रहता है। मैं आज भी फील्ड में हूँ, पहले फील्ड में था, ये फील्ड का ही हिस्सा है, जो लखनऊ आया हूँ दिल्ली से। कभी आप लखनऊ थे, फिर दिल्ली चले गए, फिर अभी आए हैं लखनऊ। खैर ये चुनाव की दृष्टि से आप आए हैं, ठीक है, मान लीजिए आपका ट्रांसफर फिर लखनऊ हो जाता है, लखनऊ ही आपकी पोस्टिंग हो जाए, तो क्या आप उसको सजा मानेंगे? दुआ दे रही हैं आप क्या यहाँ आने को? ईश्वर करे खूब आगे बढ़िए आप, है ना। लेकिन आप जब आपका जॉब प्रोफाइल चेंज होता है, उसको आप सजा नहीं बोल सकते। और अगर मैं राजनीति में हूँ, मैं चुनाव लड़ करके अगर मैं सदन में बैठी थी, तो मैं ये भी अपेक्षा नहीं कर सकती हूँ कि मैं बार बार चुनाव लड़ूँ। हो सकता है मुझे कभी टिकट ना मिले, या हो सकता है टिकट मिले। तो ऐसी तो किसी भी, अगर कोई व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करेगा कि हमेशा मुझे ही टिकट मिलेगा, मैं ही जीत करके आऊँगा, तो मुझे लगता है फिर तो वो बहुत ही जल्दी डिप्रेशन में चला जाएगा। स्वाति सिंह का राजनीति में सबसे बड़ा दोस्त कौन है? मैं आपके सवाल को नहीं समझ पा रही हूँ। दोस्ती कई तरह की होती है, हम जहाँ पढ़ते हैं वहाँ के दोस्त होते हैं, हमारे जहाँ रहते हैं पड़ोस में वहाँ के, हमारे वर्क फील्ड, आपने पढ़ाया अभी लखनऊ विश्वविद्यालय में, वहाँ के भी दोस्त होते हैं। फिर एक दिन स्वाति सिंह राजनीति में आ जाती हैं, 2017 से वो मंत्री हो जाती हैं, तो राजनीति की भी दोस्तियाँ होती हैं। राजनीति में तमाम जो पार्टियाँ हैं, स्वाति सिंह का सबसे अभिन्न दोस्त कौन है? सबसे बड़ा दोस्त देखिए, जहां तक आप दोस्त की बात कर रहे हैं, ठीक है, दोस्त नहीं बनाया आपने, नहीं मेरी बात सुन लीजिए, अगर कोई मेरा दोस्त होगा तो मैं आपको यहाँ पर क्यों बताऊंगी? दोस्त भी छुपाए जाते मेरा हैं। मेरी अगर कोई भी, मान लीजिए मेरे पहले जीवन की भी कोई फ्रेंड्स हैं, तो मैं उनके विषय में आपके प्लेटफॉर्म पे थोड़ी ना बताऊंगी। पॉलिटिकल में पूछ रहा हूँ, पहले जीवन का कुछ भी नहीं रहा। अगर मान लीजिए अगर आप दोस्ती की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों के विषय में यहाँ पर क्यों बात करना, वो मेरा निजी मामला है, ठीक है, वो नहीं बताऊंगा। अगला सवाल पूछ सकता हूँ, स्वाति सिंह का इस राजनीतिक दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, क्या मैं जानता हूँ? नहीं, मुझे लगता है कि राजनीति में अगर आप दुश्मन की बात करेंगे, तो वो डिपेंड करता है कि सामने वाला आपके विषय में क्या सोचता है। तो ना तो आप नंबर्स में उनको बांध सकते हैं, और ना ही तो उनको आप उनकी सोच के हिसाब से आप जज कर सकते हैं। ये राजनीति है, राजनीति है, लोगों की सोच बदलती रहती है, उस हिसाब से आपके दोस्त या दुश्मन बदलते रहते हैं। तो दुश्मन का नाम ले सकती हैं आप? अभी तो मुझे देखिए, मैं ऐसे किसी पोर्टफोलियो पे मेरा कोई ऐसा है ही नहीं कि मैं दुश्मन के विषय में चर्चा करूं। कोई दुश्मन नहीं है आपका? पता नहीं, अगर होगा तो ईश्वर जानते होंगे, तो ईश्वर देख रहे होंगे। मैं कभी किसी के लिए बुरा सोचती भी नहीं हूँ, तो जिसको दंड देना होगा ईश्वर देंगे। आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचती हैं? नहीं सोचती। अभी आपने मुझसे कहा कि आपने बहुत संघर्ष झेले, अभी आप जो मुझे बता रही थी, आपने बहुत सारी चीजें जो आप यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहती, और आपकी उस निष्ठा का सम्मान है, छोड़ दीजिए उन बातों को, लेकिन एक बात पे तो आते हैं कि आपने बहुत सारे संघर्ष झेले हैं इस राजनीति में भी, और राजनीति के पहले भी आपने संघर्ष झेले। जब जिंदगी में संघर्ष होता है,
कोई आज भी झेल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ बिल्कुल संघर्ष रहित हो गई है। अभी सवाल आधे ही पे था, अभी हम अभी पहुंचे नहीं थे, निशातगंज पहुंचना था, आपने हमको बीच में रोक दिया। क्या करें, आपके सवाल बहुत लंबे लंबे होते हैं। सिकंदराबाद के बकवरे पर रोक दिया आपने। मेरा सवाल आपसे ये था कि जो आपने संघर्ष झेले हैं, उलाहना सही है, प्रताड़ना सही है, मान लेते हैं, मैंने नहीं देखा है, ऐसा सुना है, कुछ आपके मुंह से कुछ औरों के मुंह सुना है, तो जब ऐसा कुछ होता है तो सामने 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 एक फिगर होता है जो इन सब का कारण होता है, वो जो भी हो, चलिए नाम छोड़ देते हैं, अनाम मान लेते हैं उस फिगर को, जो आपके संघर्षों का, आपके दुखों का, आपकी तकलीफों का कारण हो, उसके प्रति कुछ बुरा भाव है, कुछ अंदर से आक्रोश है, कुछ कटुता है, कुछ अंदर से इलविल है क्या ऐसा कुछ? देखिए, जो सनातन धर्म से जुड़ा रहता है ना, वो सब कुछ भगवान पे छोड़ देता है। माफ कर दिया? मैंने कहा सब कुछ, देखिए माफ करना नहीं, मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली, मैं क्या हूँ? अरे आप इंसान हैं। मैं इंसान हूँ ना, तो माफ नहीं करता इंसान? इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता, जो भी करना होगा ईश्वर करेगा। तो आपने माफ नहीं किया? मैंने कहा मैं सनातन धर्म से जुड़ी हूँ, बहुत आध्यात्मिक हूँ, ईश्वर अगर देखेगा, मैंने कहा मैं किसी के लिए भी बुरा सोचती नहीं हूँ, बस ईश्वर से जरूर ये कहती हूँ आप देखिएगा, आप ही मेरी निष्ठा नहीं, मैं ईश्वर से ये जरूर कहती हूँ, देखिए मेरे दो बच्चे भी हैं, मैं अगर मैं किसी के लिए गलत करूंगी तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो वो हमारे बच्चों के सामने आता है, और मैं ईश्वर से यही कहती हूँ कि भगवान मेरे भाव में भी किसी के लिए गलत सोच भी मत लाइएगा, क्योंकि अगर मैं किसी व्यक्ति के लिए गलत सोचूंगी या गलत करूंगी तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चों के आगे आएगा। मैंने कहा ना, मैंने बहुत संघर्ष से अपने जीवन में मैंने बहुत संघर्ष किया है, बहुत, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे बच्चे इन चीजों को फेस करें, कभी नहीं चाहूंगी। तो आप अपने ज़हन में ऐसा कुछ रखती नहीं है, ना ही बच्चों के ज़हन में आने देती हैं, सबको मुक्त रखती हैं। मेरे बच्चे मैंने कहा ना, बहुत प्यारे बच्चे, जनरली मैं कभी ऐसे किसी मीडिया या किसी चैनल पे मैंने अपने बच्चों के विषय में बात नहीं किया है, हम तीनों एक दोस्त हैं और हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि हम अपने सारा सुख दुख हम तीनों एक साथ बांटते हैं, और शायद मुझे अच्छा लगता है जब मैं अपने बच्चों के संस्कार को देखती हूँ, मैं अपने बच्चों के जो उनका जिस जगह पर हैं आज, तो मुझे एक माँ होने के नाते मुझे बहुत खुशी होती है, और हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा संस्कारी हो और साथ ही साथ वो उतना ही एजुकेटेड हो। एजुकेटेड का मतलब सिर्फ बुकिश चीज़ों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, उसके हाव भाव में भी उन चीज़ों को, वो चीज़ें दिखनी चाहिए, तो वो ऐसे हैं मेरे बच्चे। ठीक है, मुझे एक बात और ये बताइए कि ये जो पूरा इस समय का सिनारियो चल रहा है, इस समय की जो सिचुएशन चल रही है, आप जो यूपी की राजनीति को देख रही हैं, मैं पॉलिटिकल बातचीत करता हूँ, आप नेता हैं, 2024 का चुनाव में क्या लग रहा है स्वाति, क्या होने जा रहा है? अब की बार 400 पार हो जाएगा ये पक्का? देखिए 2017 में भी जब हम लोगों ने इस बात को रखा था, अब की बार 300 पार, तो आप लोग, आपका जितने लोगों ने भी एग्जिट पोल दिया था, सब कोई नहीं दिखा रहा था कि हम उतने प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, और जीत कर आए हम। एक चीज और, आप लोग भी माने, अभी बात करते करते ख्याल आ गया मुझे एक चीज और, एक केस जिससे आप बहुत ही चर्चा में आई थी पहली बार, मतलब मैं अपनी बात कहूं, मैंने भी पहली बार आपका नाम सुना था, वो जो केस हुआ था, मैं उस केस के संदर्भ में दर्शन कर सिंह का नाम ले रहा हूँ, और आप आई थी, आप बच्चों के स्वाभिमान के लिए आप लड़ गई थी, और बाकायदा आपकी वो जो लड़ाई थी वो चर्चा का विषय देश भर में बनी थी, उस केस का क्या हो रहा है? वो केस अभी भी चल रहा है, एमपी एमएलए कोर्ट में है, पैरेलली हाई कोर्ट में भी है, अभी भी लड़ रही हैं? हाँ, मैं अभी भी लड़ रही हूँ, बच्चों के सम्मान की लड़ाई, वही मैं बता रही हूँ, हाँ, बेटियों के सम्मान की लड़ रही हूँ, अभी भी लड़ रही हूँ, अभी भी लड़ रही हूँ, क्योंकि अगर उस लड़ाई को मैं छोड़ दूंगी तो बात सिर्फ मेरी बेटी की नहीं है, हर व्यक्ति बच्चियों को ऐसे ही अब्यूसिव वर्ड्स बोलेगा, और इसी केस का उदाहरण दे करके इसको वो लोग इस केस को रेफरेंस में यूज करेंगे कि भाई इसमें तो कुछ हुआ नहीं, सब लोग बरी हो गए, तो भविष्य में ऐसी चीजों को यूज किया जाएगा। आरोपी कौन कौन है आपके केस में, आपको पता ही नहीं? नहीं, नहीं, मैं मुझे मालूम है, लेकिन मैं चाहता हूं पब्लिक मेमोरी के लिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं, मेवालाल हैं,
बहुत सारे लोग हैं मुझे लगता है सबका नाम यहाँ पर क्या लो। हाँ ठीक है, तो ये केस अभी कहाँ, स्टेटस क्या है इस केस का? एमपी एमएलए कोर्ट में भी चल रहा है और हाई कोर्ट में भी चल रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट में एक डिसीजन, एक पैरेलली एक और वो लोग दूसरी पार्टी विपक्ष के लोग गए हुए हैं, तो अभी जो एमपी एमएलए में जो केस चल रहा है उस तब तक स्टे है वो, कि वहाँ का कोई डिसीजन आ जाएगा तब यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। सजा दिला के मानेंगी आप? बिल्कुल, मैंने कहा ना छोड़ेंगे नहीं इस केस को। नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी मैं, और मैं पर्सनल देखिए एक एक मैं स्वयं एक महिला हूँ और एक माँ हूँ, अगर मेरी बच्ची को जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया गया था, आप सारे लोगों को वो ऑब्जेक्शनेबल लगा था जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया था, आपको लगता है कि उन चीजों को छोड़ देना चाहिए? मैं वो लड़ाई लड़ रही हूँ और बिल्कुल लड़ूंगी, लास्ट तक लड़ूंगी और उन लोगों को सजा जरूर दिलवाऊंगी। पर ये क्या जो लड़ाई आप लड़ रही हैं स्वाति, और मैं बिल्कुल कहूंगा क्यों छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल कोई भी लड़ाई नहीं छोड़ना चाहिए, जो बच्चों के सम्मान की हो और जो भी कानून के मुताबिक आपको अधिकार मिले हुए उसे लड़ना ही चाहिए, क्यों छोड़ देंगी आप? पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो लड़ाई आप लड़ रही हैं स्वाति, क्योंकि आपने लड़ाई का जो कॉस्ट था, और मैं इस लड़ाई के संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि आप जब यहाँ खड़ी हुई थी तो दयाशंकर सिंह को एक बड़ा संबल मिला था आपके आने से, जो पॉलिटिकली हम लोग ने देखा था इस मामले में, चूंकि बुरी तरह वो घिर भी गए थे जब ये मामला हुआ था, फिर आप आई खड़ी हुई और पूरी तस्वीर बदलती हुई दिखी। क्या इस लड़ाई में आपको आज की तारीख में दयाशंकर सिंह का साथ मिल रहा है? नहीं, मैं अपनी बेटी की माँ होने के नाते, मैं तब भी जब शुरुआत मैंने लड़ाई की थी तब मैंने अकेले ही वो लड़ाई शुरू की थी, और आज भी एक इंडिविजुअल कैपेसिटी से मैं उस लड़ाई को लड़ रही हूँ। दयाशंकर सिंह का कोई साथ इसमें नहीं है? नहीं, मेरी कभी, या आपने खुद ही मना कर दिया, कोई जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, मेरी उनकी कभी कोई बातचीत होती नहीं है इस विषय पर, तो कभी भी बात नहीं, आज नहीं होती है, पहले भी कभी बात नहीं हुई, पहले भी हुई थी तब तो बात होती होगी। हाँ, उस समय बात होती थी, उस समय बात हुई थी, और तब भी वो मेरा स्वयं का ही स्टैंड था, जो भी मैंने इनिशियली जो स्टैंड लिया अपने बच्चे, आपका स्टैंड था सिर्फ या उस समय दयाशंकर जी जेल में थे तो मेरी उनकी बात नहीं हो रही थी, मेरी तो काफी बाद में बात हुई थी। हाँ, जब जेल से निकले तो वो आए थे, फिर हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो इनिशियली तो वो मेरा ही स्टैंड था। तो उस स्टैंड में आप आगे बढ़ी तो उसमें सपोर्ट तो आपको दयाशंकर सिंह का मिला ही होगा? दयाशंकर जी बाद में आए, पहले मुझे भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया था, पहले पार्टी का पूरा सपोर्ट मिला, दयाशंकर जी भी बाद में आए, हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया थे साथ में। आज की तारीख में कोई सपोर्ट उनकी ओर से? नहीं नहीं, इस बात का गिला है आपको, दुख है, क्योंकि आपने कहा बेटी के सम्मान की लड़ाई है। नहीं, मुझे किसी बात का कोई गिला नहीं है, और मैंने कहा ना एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी मैं उस लड़ाई को लड़ रही हूँ और लड़ूंगी, क्योंकि वो बेटियों के सम्मान की बात है, तो उस चीज को मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं आपसे, और मैंने किसी भी पॉलिटिकल लालसा को लेकर के वो लड़ाई नहीं शुरू की थी मैं। आपने जब एक प्रश्न किया कि कहाँ है स्वाति सिंह, जब मैं पहले कोर्ट में जाती थी तो मीडिया दिखाती थी, आज नहीं दिखा रही है, तो मैं मीडिया में आने के लिए मैं ऐसा नहीं करूंगी कि मैं उस केस को छोड़ दूं या उसको पब्लिसाइज करूं, वो लड़ाई तो मुझे लड़नी ही है, ना तो मैं होर्डिंग लगाती हूँ उसका और ना तो मैं मीडिया में पब्लिसाइज करती हूँ। पहले आप लोग खुद ही पता करके डेट पूछ करके आते थे, अब नहीं आते हैं। आप बार बार ये क्यों कह रही हैं कि मीडिया मुझे नहीं दिखाती? इसलिए कि देखिए, इसलिए कि जिस बात को आपने कहा कि कहाँ है स्वाति सिंह, स्वाति सिंह आज भी वही है। स्वाति सिंह जो सामाजिक कार्य कर रही थी वो सामाजिक कार्य आज भी करती है, मेरे किसी कार्यकर्ता का, मेरे क्षेत्र के किसी व्यक्ति का। पर मैंने तो स्वाति एक पर्टिकुलर रेफरेंस में कहा था कि पॉलिटिकल जो बीजेपी के कार्यक्रम होते हैं, बीजेपी जो जिम्मेदारियां देती है वहां आप नहीं नजर आती मुझे जिम्मेदारियों के लिए। मुझे एक हाँ प्रभारी के रूप में मुझे कभी कहीं का प्रभार नहीं मिला, लेकिन मैं कार्यक्रमों में जाती हूँ। ये तो आपको, मुझे लगता है कि आप अभी बीजेपी कार्यालय जाइए, वहां पर पूछिएगा तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आपने नहीं पूछना चाहा? मैं जिस परिवार का हिस्सा हूँ, हमारे यहाँ बड़ों का बड़ा मान सम्मान है, मुझे पता है कि समय आएगा तो वो चीज़ें मुझे दी जाएंगी, अभी शायद उचित समय नहीं होगा, उन लोगों को नहीं लगता होगा कि अभी उचित समय है। कुछ ऐसा नहीं है कि पार्टी मुझे कोई काम नहीं दे रही है, पार्टी मुझे काम दे रही है। हाँ, लेकिन आप जिस पद की बात कर रहे हैं, जिस आप दायित्व की बात कर रहे हैं, तो वो कहना चाहिए कि अगर हम किसी कार्यक्रम में भी जा रहे हैं तो वो भी दायित्व होता है कि आप किसी कार्यक्रम में विशेष अतिथि बनके अगर जा रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे मेरा कि आप बीजेपी का हिस्सा हैं, आप बता रही 1996 से आप बीजेपी में हैं, और उस लिहाज से
मुझे ऐसा लगा कि हो सकता आप जयशंकर सिंह के सीनियर हो, आई डोंट नो उनका कब से है रुझान, मिलेंगे तो पूछूंगा जरूर मैं उनसे कि स्वाति सिंह ने बताया 1996 से, आप कब से ही, मैं उनसे पूछूंगा। नहीं, मैंने नहीं बताया, आप वो पता भी कर सकते हैं, मैं विद्यार्थी परिषद में थी और मेरे पास प्रदेश सहमंत्री का दायित्व भी रहा है उस समय। जब तक वो नहीं बताते मैं मान के चलूंगा आप उनकी सीनियर है, जब वो बता देंगे तो ये सिचुएशन फिर कुछ चेंज होगी, अभी तक तो मान के चल रहा हूँ आप उनकी सीनियर है। मुझे ये बताइए कि कभी आपके जहन में ये आया, जैसे दो साल से आप मेन स्ट्रीम में, फिर कह रहा हूँ उसे अन्यथा मत लीजिएगा, जिम्मेदारियों की मेन स्ट्रीम बात कर रहा हूँ, कभी जहन में ख्याल आया कि आप कोई पार्टी बदल लें, आप सपा में चली जाएं, आप किसी और पार्टी का हिस्सा हो जाएं, कभी जहन में इस तरह आया आपके? नहीं, कभी नहीं आया, कभी नहीं आया, कभी नहीं आया, क्योंकि यहाँ यूपी में बड़े बदलाव, आज जो नेता इधर है कल को उधर चला जाता है। नहीं, कभी नहीं आया, इसलिए मुझे इसलिए मैं कह रही हूँ कि कहते हैं ना जैसे जो रगों में जो खून बह रहा है, तो जो अगर कोई बच्चा क्लास 12th में है और तब पार्टी की विचारधारा से जुड़ गया तो वो तो एक अबोध बालक, एक कच्ची मिट्टी होता है, तो जिस रूप में उसको ढाल दीजिए, तो मैं ढल गई हूँ, इस विचारधारा से ढल गई हूँ, कहाँ चली जाऊंगी? आप इसी पार्टी में रहेंगी, कभी किसी ने आपको, मैं आपको अच्छी नहीं लग रही हूँ भारतीय जनता पार्टी में? नहीं, मेरा इसमें क्या टेक हो सकता है, कभी अप्रोच नहीं किया किसी और दल ने आपको? अप्रोच किया नहीं किया, अगर मान लीजिए मैं कह दूं कि हाँ किया तो क्या आप मान लेंगे, या मैं कह दूंगी नहीं किया तो क्या आप मान लेंगे? मैं मान लूंगा, आप कह देंगे किया, बताइए किसने किया? अच्छा, और मैं कहूंगी कि नहीं किया तो मान लेंगे, तो मान लूं या नहीं किया? ठीक है, मुझे लगता है कि नहीं किया, इस तरह के प्रश्नों का जवाब छोड़ देना चाहिए, टाल देना चाहिए, नहीं देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग तो चाहते हैं कुछ तो मसाला मिल जाए, कुछ तो टीआरपी बढ़ने के लिए हो जाए। नहीं, ये बात टीआरपी की नहीं है, ये एक हार्ड कोर पोलिटिकल रियलिटी है कि आज जो नेता वहां है, आप भी जानती हैं, कल कहीं और जाता है, अप्रोच करते हैं लोग, इसलिए मैंने पूछा, और आप पॉलिटिकल फिगर हैं इसलिए हो सकता है आपको भी अप्रोच किया हो। देखिए, हमारी पार्टी जिस तरह की कार्यशैली है भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, आप देख रहे होंगे कि सारी पार्टियों के लोग टूट टूट कर हमारी पार्टी में आ रहे हैं। इसीलिए कहा, विपक्षी कहते हैं कि आपकी पार्टी तो वॉशिंग मशीन हो गई, आएंगे वॉश हो करके और फिर से नए सिरे से। कौन कह रहा था, जो कह रहा था उनका खुद का आप देख लीजिए, मैं उनका नाम नहीं लूंगी भाई, बड़ी नेता है, लेकिन उनकी कार्यशैली भी आप देख लीजिए। ये जिस तेवर में आपने मुझसे पूछा कौन कह रहा था, क्या यही तेवर जरूरत है पार्टी को आज आप फिर से आए और रिस्पांस दें? आप क्या चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए स्वाति सिंह, और बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हुए, ना हिम्मत हारी है इन्होंने और ना ही किसी तरह की कोई निराशा है, पार्टी के भीतर आगे बढ़ने का जो एक रोड मैप है उसके बारे में बात कर रही हैं, और ये कह रही हैं मैं यहीं पर हूँ, कहीं नहीं गई हूँ, और अपना काम जैसे कर रही थी वैसे आगे भी करती रहूँगी। यूपी की राजनीति का बेहद ही जाना पहचाना चेहरा है, बहुत ही चर्चित चेहरा है, और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये चर्चा और विवाद दोनों आगे भी बने रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।